नेक्स्ट वी हैव 108 इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके तो देखो हमें गिवन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज गिवन 3, ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला कि दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, एंड इसमें ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर लेकर आएंगे, सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब नाउ ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कैन राइट इन दिस फॉर्म ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी है। ओके अब देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमें गिवन है 3, सो ये आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू इंटू 1/3, सॉरी इंटू 3, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या पुट किया है 3 एंड इज इक्वल टू 1, सो वी गेट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3, सो टेक इट इक्वेशन सेकेंड एंड इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी कैन इजिली सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3, सो ऐड किया, सो ऐड करने पर माइनस कॉट थीटा से प्लस कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 2 कोसेक थीटा एंड इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, सो देखो एलसीएम लिया सो ये हो जाएगा 9 प्लस 1/3, सो वी गेट 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 10/3 एंड 2 से 10 5 टाइम्स जाएगा, सो वी गेट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। नाउ वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है, एंड हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, सो ये आ जाएगा 1/5/3, सो इट विल बी 3/5, ठीक है, सो वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो ये यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, सो हेंस प्रूफ।